हाय, वेलकम बैक। आज हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को आप खुद की शॉर्टकट की बना के आप उसे डेस्कटॉप रह के डायरेक्ट रन कर सकते हैं। अभी तक आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते होंगे तो विंडो के साथ में आर दबा के या फिर उसे फाइंड करके उसकी रन कमांड डाल के आप उसे ओपन करते होंगे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आप सिंगल शॉर्टकट की से आप उस सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट आप रन कर सकते हो जो भी आपको बार बार ओपन करना पड़ता है। तो ये आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी सॉफ्टवेयर आपको बार बार ओपन करना पड़ता है, जैसे हम एमएस वर्ड ले लेते हैं, तो आपको उसी सॉफ्टवेयर पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में यहाँ पर देखो लिखा है शॉर्टकट की। अब यहाँ पर दो की जो है वो आपकी कंपलसरी रहेंगी, कंट्रोल और अल्ट। अब आप जो भी बनाना चाहते हैं वो आप दबा लीजिए। जैसे हम डब्ल्यू चाहते हैं कि जैसे हम कंट्रोल अल्ट डब्ल्यू दबाएं तो एमएस वर्ड ओपन होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर डाल दिया। अप्लाई करना है और ओके कर देना है। अब आप कंट्रोल अल्ट और डब्ल्यू जो भी आपने शॉर्टकट की बनाई है वो आप जैसे दबाएंगे डायरेक्ट आपका सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी सॉफ्टवेयर हो आप उसे रन कर सकते हो। तो ये चीज आपको पता थी या नहीं पता थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।